अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज मंगल 28 जुलाई 2020, बात करेंगे कुछ रोड साइड वॉयलेशन के बारे में। आपको पता है कि कहीं भी रोड के ऊपर खड़े होकर कोई भी चीज बेचना जो है वो जुर्म है ओमान में कानूनी तौर पर। तो इसी तरह 40 लोगों को जुलाई के महीने में अब तक पकड़ा जा चुका है। 1 जुलाई से लेकर आज 28 तारीख है, आज तक जो है वो 40 लोगों को पकड़ा जा, जो कि डिफरेंट लोकेशन पर जो है स्पेशली ट्रैफिक सिग्नल जो है, जितने भी दोस्त अब आप ड्राइव करते हैं या जो गाड़ियों पर सफर करते हैं, उन्होंने देखा होगा एक जगह कहीं भी सिग्नल पर जब रुकते हैं तो कुछ लोग आके आपको जो पानी ठंडा ऑफर करना शुरू कर देते हैं, जो कि कानूनी तौर पर अलाउ नहीं है। तो उन लोगों को और कुछ लोग जो मॉल्स के बाहर, शॉपिंग मॉल या बड़ी मार्केट के बाहर एंट्रेंस पे खड़े होते हैं, वो आपसे हर जाने आने वाले को देख लेते हैं, और किसी को जाते वक्त, किसी को वापसी को या किसी को वापस जाते वक्त जो है वो ऑफर करेंगे कि वी विल हेल्प यू टू पुट यूर यू नो योर शॉपिंग बैग्स इनसाइड योर कार बुला बुला। तो या फिर उनसे डायरेक्ट जो है वो पैसे रिक्वेस्ट कर देंगे, पैसे दे दें हम बुक हैं। ऐसे जितने भी मामले हैं पैसा मांगने के तरीके लोग ने इतने ईजाद कर रहे हैं, वो क्या के उनको पकड़ लिया जाता है, उनको अरेस्ट किया जाता है, क्योंकि वो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे होते हैं। उससे सिग्नल्स पर क्या होता है, मोस्टली लोगों के पास चेंज नहीं होता, और हम लोग मोस्टली कार्ड यूज करते हैं और 100-100 पैसा जो है वॉलेट में कम रखते हैं, क्योंकि 100 पैसे का 10 नोट भी हो तो वॉलेट जो भर जाता है। उसके अलावा वो फिर आप उनको 500 पैसा दे देते हैं या 100 जाएगी, गर्मी है जी, वो रिक्वेस्ट करेंगे आपसे मैंने खाया कुछ नहीं, ये वो, आप उनको ज्यादा पैसे दे देते हैं। सो जरूरत होना और उसका गलत, और ऊपर से अगर आपको जरूरत भी है, देर आर इदारे हैं आपके काम के लिए, आप इदारों के पास जाएं, हुकूमत के पास जाएं, स्पेसिफिक जगहों पर जाएं जहां पर आपको सभी को पता है कि कहां पर क्या होता है। और वैसे हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम इर्द गिर्द अपने लोगों को जो हम जहां पर रहते हैं, जिन लोगों को हम जानते हैं, उन सबका ख्याल रखें, ताकि कोई भी इस तरह के अमल में ना पड़े। एक तो कानून की खिलाफ वर्जी ना हो, बाकी वो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, या वो मजबूर ना हो जाए कि वो कोई ऐसा अमल करे जो उसके लिए भी अच्छा ना हो और ऊपर से कानून की खिलाफ वर्जी भी हो। सो जितने आपके जहन में सवाल आ रहे हैं उतने ही उसके रीजंस होंगे। हमेशा अपना ख्याल रखें, और कहीं पर भी आप रुकें, एक तो वो लोग जो हैं वो बहुत जरूरतमंद नहीं होते, दे जस्ट ट्रिकिंग इट, वो ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं लोगों से पैसे लेने के, और स्नैचिंग भी हुई है, छीना झपटी भी हुई है। आपने गाड़ी का शीशा डाउन किया, पानी की बोतल ली, उसने देखा आपके वॉलेट में पैसे काफी ज्यादा हैं, खलास रो, मोबाइल छीन लिया। कुछ मैंने लाइव केसेस देखे, एक बंदे को तो पकड़ा जाते देखा, वो किसी औरत को उसने ऑफर की एक मॉल के बाहर कि भाई आई विल हेल्प यू, उसने बोला सामान रख दो, उसने सामान रखा, शायद कुछ उसको लगा कि शॉपर में कीमती सामान है, वो उसने रखा नहीं और स्पीड लगा दी। लेकिन स्पीड लगाते जा रहा था, पीछे से वो पीछे देखना शुरू किया, आगे से थड़ाम पोल के अंदर, यानी वो अपनी आई खुद ही जो है वो गिर गया, उसको पकड़ लिया गया। सो इस तरह के जितने भी मामले हैं उनसे किसी भी अनजान लोग जो हैं उनसे ना हेल्प लें, ना उनको हेल्प करें, क्योंकि आजकल जो जमाना है वो जिनका हक होता है लोग एक तो उनका हक भी मार देते हैं, और ऊपर से जानबूझकर ये एक्टिंग कर रहे होते हैं। ज्यादा लोग जो हैं वो जानबूझकर जो है एक्टिंग कर रहे होते हैं। सो मैं इन ज्यादा बातों में नहीं पढ़ूंगा, मैंने शायद कुछ ज्यादा बोल दिया, अल्लाह ताला माफ फरमाए। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें, और जरूरतमंदों के जरूर काम आए, ताकि इस तरह के जो है वो लोग इस तरह के कामों में ना पड़े। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।